विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत जिला महिला अस्पताल में एक मास मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ सहित जिले के अधिकारियों और पत्रकारों ने भाग लिया। इस दौरान शिशु को मां द्वारा स्तनपान कराए जाने के लिए महिलाओं को जागरूक करने की अपील की गई। इस दौरान एनआरएचएम के डीपीआरओ रजिया फिरोज ने बताया कि मां का दूध शिशु के लिए अमृत है। मां का दूध बच्चे को बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। स्तनपान जीवन का आधार है। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ प्रताप सिंह, जिला महिला एवं पुरुष चिकित्सालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के साथ स्वास्थ्य कर्मी एवं जिले के पत्रकार मौजूद रहे। तक जो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देता है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, लगभग 55% है। मृत्यु, शिशु मृत्यु और माता की भी मृत्यु, ये दोनों से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है। इसमें आवश्यक यह है कि ब्रेस्टफीडिंग निरंतर कराया जाए, एक घंटे के अंदर कराया जाए, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग, उसके बाद अनुपूरक आहार के साथ 2 वर्ष तक ब्रेस्टफीडिंग कराई जाए, जिससे बच्चे का जो मृत्यु दर है वो कम होगा और मां को जो बहुत सारे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं, स्तन कैंसर, ओवरी का कैंसर, ये सारे कैंसर में काफी काफी गिरावट आएगी। और यदि जैसा कि सर ने, राजनारायण सर ने बताया था कि स्तनपान कराने से बच्चे में बीमारियां कम होगी, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से उसको बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ेगा, दवाइयों के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम ऊपरी आहार नहीं, दूध के स्थान पर, माँ के दूध के स्थान पर ऊपरी आहार नहीं देते हैं तो उसका भी खर्चा बचेगा और ये जो गरीबी का क्रम है निरंतर तोड़ने का एक प्रयास होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा